thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs लिंक टू ज्वाइन द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जिद से जीत तक एंड इफ यू आर जिद्दी इनफ सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट करंट अफेयर मास्टर कोर्स इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बच्चे जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही टेंजिबल सा एक टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि आ, आपको ना यू हैव टू सेव मनी कि अगले एक महीने तक आपको ना पैसा बचाना है राइट तो आप हर एक फील्ड के अंदर सोचोगे कि यार मेरा यहाँ पे खर्चा होता है राइट मैं कैब से जा रहा हूँ तो अगर मेरे को पैसा बचाना है तो आई शुड ट्रैवल फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा राइट तो वहाँ पे देखोगे आप अपने फूड में पैसा कट करोगे अपनी लग्जरीज में पैसा कट करोगे तो आप अलग अलग एवेन्यूज ढूंढते हो कि कहाँ कहाँ पे आप जो है पैसा कट कर सकते हो वैसे ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एक गोल है राइट कि हमने अपने इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल तरीके से चलाना है राइट तो वैसे ही हम हर एक फील्ड को उस हिसाब से सेट करते हैं इस सिनेरियो के अंदर क्योंकि गोल हमारा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है ना हम जा रहे हैं अपनी ग्रीन इकोनमी की तरफ तो वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन द सेंस कि तो शोर टेम्पल है विच इज इन मा मलापुरम राइट एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी लोकेशन आप मैप के ऊपर जरूर देखना इसके अलावा और जितने भी हमारे स्टोन टेम्पल हैं उनको भी आप उनके लोकेशन मैप्स पे देखना थोड़ा यूपीएससी प्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसानी हो जाती है वहां पे क्वेश्चन को अटेम करना राइट कमिंग बैक टू द टॉपिक तो ये जो शोर टेम्पल है ये हमारा इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो बन गई है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट राइट तो अब कहने का मतलब कि ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है हमारी अब इसको जो मेंटेन किया जाएगा वो एक ग्रीन तरीके से मेंटेन किया जाएगा कौन से वो तरीके हैं तरीके वही हैं लेकिन उनको अप्लाई हम यहां पे कर रहे हैं राइट फंडा वही है राइट कि अगर आपने किसी चीज को ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ में रिप्लेस करना है तो आप हर एक चीज को थोड़ा 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 करके चेंज कर देते हैं राइट आइए देखते हैं क्या कहने का मतलब है यहाँ पे अबाउट ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट इट प्रिजर्व हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ शोर टेम्पल अलॉन्ग विद इट सस्टेनेबल हेरिटेज कंजर्वेशन ठीक है जी कैसे कैसे होगा अब ये नंबर वन सोलर एनर्जी जो है जो हाँ पे लाइटिंग होगी वो सोलर एनर्जी के साथ में होगी राइट है ना बहुत सिंपल आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ बाकी आप लोग इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं राइट जो सरप्लस एनर्जी होगी बच्चे उसको हम नेट मीटरिंग के हिसाब से हम ग्रिड में भी डाल देंगे राइट तो आपका जो टेम्पल है वो भी आपका ग्रीन एनर्जी के साथ में इल्यूमिनेटेड है प्लस जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी आपने वापस ग्रिड में डाल दिया ये एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल भी है अगर आप मेंस में कहीं इसको कोट करना चाहो तो ये आप कोट कर सकते हो और आपको थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स उसके अंदर जो है जरूर मिलेंगे जितनी भी फैसिलिटीज है वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका जो वाटर का यॉस्क होगा वहाँ पे है ना वो आपका आर से जो चलता है वो आपका सोलर पावर्ड होने वाला है राइट right? अगेन छोटी छोटी चीज़ें इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे वो आपकी ई रिक्शा के थ्रू होगी राइट right? जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है अगेन वो ई रिक्शा के थ्रू होगी और दैट्स वाई वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट प्लस वो जो ई रिक्शा जो है उनको जो चलाने वाला है दैट इज द लोकल तो प्लस आपने साथ में लोकल जो लोग हैं लोकल जो पॉपुलेशन है आपने उनको भी जो है बच्चे एंगेज कर लिया है इसके साथ में तो दिस इज व्हाट द ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट इज व्हाट इट मींस कि कैसे वो अचीव होगा फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो किसी आ, कोई अपने सजेशन देना है फॉर एग्जाम्पल चाहे एथिक्स में ही चाहे क्यों ना आ जाए तो इस तरीके से डिटेल्ड तो है आपको एनालिसिस पे देना इस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं राइट तो उन्होंने हर चीज को जो है ग्रीन एनर्जी के थ्रू रिप्लेस कर दिए प्लस साथ में आपको एक सोशल एंगल भी जोड़ दिया है विच इज कि आप उन रिक्शा को चलाने के लिए लोकल वुमेन को है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे राइट तो बच्चे अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि एक तो चलो ग्रीन एर्कोलॉजिकल साइट प्रोजेक्ट वो तो हेरिटेज प्रोजेक्ट तो है ही है इसके अलावा शोर टेम्पल ये अपने आप में हाईलाइट हो जाता है थोड़ा उसके बारे में देखते हैं बच्चे अगर यूपीएससी में कोई सवाल बनेगा तो यही है वो टॉपिक जिनके साथ में ये बन सकता है राइट right? सबसे पहले तो नाइनटीन के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा तो है वो दे दिया गया है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं ये तीन तरह की होती हैं राइट नंबर वन आप ये हमने बाकी वीडियोस में डिस्कस किया है एक आपकी सिंपल जो है आपकी कल्चरल होती है कि ये कल्चरल साइट है एक आपकी इकोलॉजिकल साइट होती है बच्चे कि ऐसी ये इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत यूनिक है और इसको प्रिजर्व करना चाहिए वर्ल्ड को और तीसरा होता है आपकी मिक्स्ड हेरिटेज साइट तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि इंडिया में इकलौती एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है तो वो कौन सी है और कहाँ पे है राइट तो एक बारी कमेंट में मुझे जरूर बताइए नहीं पता आप सर्च भी कर सकते हैं हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके साथ में यूपीएससी इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है बच्चे राइट किरो ने बनवाया था ये राजशिमा और नरशिमा टू ये सेम ही नाम है है ना इनके ऑफ पल्लवा डायनेस्टी राइट और साथ में क्या ध्यान रखने वाला है कि इट ओवरलुक्स द शोर ऑफ

प्लस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नाइन एटी फोर ठीक है जी रिकोगनाइजिंग इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affairs series called To The Point. Zid se jeet Tak.